नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। खबर गर्दाए की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। हिंदू बनकर युवती को प्यार में फंसाया और प्यार में फंसाकर युवती को बेचने तक की कोशिश की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के मामले को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस ने युवती को हरौनी स्टेशन से बरामद कर लिया है। असम जाने वाली ट्रेन से युवती को बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आमिर ने बताया उसने हिंदू बनकर युवती को प्यार में फंसाया। आरोप है कि आमिर लगातार युवती पर धर्मांतरण का दबाव भी बना रहा था। साथ ही आमिर ने कबूला है कि वो पिता के साथ मिलकर युवतियों को बेचने का कारोबार कर रहा था। इस मामले में युवती ने 112 पर कॉल कर अपराध की सूचना दी थी, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, कैसे ये पूरा मामला खुला और कितना बड़ा ये मामला? देखिए, बिल्कुल इस तरह के नेक्सस हमेशा सामने आते रहे। देखिए, लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में कोई नया नहीं, फतेहपुर से लेकर कानपुर, सहारनपुर, लेकिन लखनऊ में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाता और उसके बाद धर्मांतरण को लेकर लगातार दबाव बनाता। और जब पुलिस ने पूरी गिरफ्तारी की तो इसमें कई सारे मसले निकल कर सामने आए, जिसमें ये पता चला कि अपने पिता के साथ मिलकर ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर नाम बदलकर पहले इनको प्यार में फंसाते थे और फिर इन्हें बेच देते थे। तो इन्हें ट्रेन से पकड़ा गया, इन 3-4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और इस पूरे मामले में अब यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया कि पूरे नेक्सस में कहां कहां तक इनके तार फैले हैं। क्या सिर्फ लखनऊ से ही पूरा मामला जुड़ा है या फिर पूरा जो धर्मांतरण का खेल है कानपुर से लेकर कश्मीर तक, उस पूरे मसले की भी जांच अब शुरू की जाएगी। यूपी पुलिस, विशेष तौर से लखनऊ पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है कि आप हिंदू बनकर युवती को प्यार में फंसाइए और फिर उसके बाद उसको बाहर ले जाकर बेच दीजिए। यानी एक बहुत बड़ा ही गिरोह था जिसका पर्दाफाश हुआ। अभी 4 की गिरफ्तारी बाकी। अब इन 4 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन अजीत, सवाल इस बात का है कि धर्मांतरण के खिलाफ लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आना एक के बाद एक। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बनी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी धर्मांतरण करना कानूनन अपराध है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये मसले सामने उठ कर आ रहे हैं और ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस पूरे नेक्सस को चलाते हैं, जिसको लेकर यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, एसटीएफ, यूपी पुलिस और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बार बार कह चुके हैं अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई एनएसए गंगेश्वर तक लगाया जा चुका। जब उमर की गिरफ्तारी हुई थी, यहाँ से कानपुर से फरीद की गिरफ्तारी हुई थी, लगातार इस पूरे नेक्सस पर कार्रवाई हो रही। लेकिन एक के बाद एक जो नए मामले आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और पुलिस इसकी पूरी घटना के तह में जाने की कोशिश कर रही है। कांचा, अजीत, ये कितने लड़कियों का धर्मांतरण करा करके बेच चुके हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, बिल्कुल बड़े अधिकारियों जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ा नेक्सस है। अभी एक लड़की का मामला सामने आया, उसके आधार पर चूंकि 112 पर फोन करके उसने जानकारी दी थी, जिसके बाद इस पूरे गिरोह की पर्दाफाश हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। इसमें और कई सारे लोग, इनकी पूछताछ के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे आधे दर्जन मामले हो सकते हैं जिनमें चारों की इन्वॉल्वेशन हो सकता है, उसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुंदन, शुक्रिया अजीत इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अजीत पूरी जानकारी दे रहे थे हमें कि किस तरीके से 4 जो लोग हैं गिरोह बना करके लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे, धर्मांतरण करते थे और फिर उन्हें बेच दिया करते थे। ये नेक्सस सामने आया है।